अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहिर, मैं इंडिया का हूँ और मैं रह रहा हूँ सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि मैनुअल कार कैसे चलाते हैं, जो गियर वाली कार होती है वो कैसे चलाते हैं। तो चले दोस्तों, गाड़ी की तरफ चलते हैं और देखिएगा कैसे गाड़ी चलाते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि मैं गाड़ी कैसा चलाया हूँ, कि आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सऊदी से ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम चलाएंगे वो गाड़ी से रुक। ये जो टोयोटा हाइलुक्स गाड़ी जो है, ये गियर वाली गाड़ी है, सऊदी अरेबिया में है, तो मैं चलाऊँगा आज इसको। तो पहले तो लॉक खोलना है। हाँ जी, तो दोस्तों पहले आपको मैं बताता हूँ पैंडल्स के बारे में। ये जो पहला पैंडल है, ये है क्लच और ये है ब्रेक, वो है एक्सलेटर, यहाँ पे बेंजीन भी बोला जाता है। आधा क्लच, आधा फरामेल, आधा बेंजीन, ये आधा डायरेक्शन, ये स्टेयरिंग है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, और आधा गियर, आधा फुलोस रियाल। तो आपको बताता हूँ मैं अभी एसी के बारे में। तो ये एसी ऑन ऑफ है, ये एसी का बटन है, ये फ्लाशर लाइट जलाता है, चार इंडिकेटर जलते हैं, ये तो रेडियो सिस्टम है, इसमें सीडी भी करता है, सीडी भी चलता है। तो दोस्तों इंडिया में रहता है ये साइड में स्टेयरिंग, राइट साइड में, और सऊदी अरब में रहता है लेफ्ट साइड में। तो ये हैंड ब्रेक है, तो अभी हम गाड़ी चालू करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गाड़ी न्यूट्रल है और मार दिया सेल्फ। तो गाड़ी तो चालू हो गई दोस्तों, आपको डोर बंद करना है। ये मैंने डोर बंद कर दिया, आपको पहले तो मिरर सेट करना पड़ेगा और अपनी सीट सेट करना पड़ेगा, मिरर उधर का और इधर का, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड का, और सेंटर का मिरर सेट करना पड़ेगा, आपको सीट सेट करना है। तो हाँ दोस्तों, एक बात भूलिएगा मत, सीट बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। हाँ जी, तो दोस्तों हमने डाला अभी फिलहाल तो रिवर्स गियर डाल दिया, ये निकाल दिया हैंड ब्रेक, ये चालू कर दिया फ्लाश। रिवर्स गाड़ी अगर रिवर्स लेते टाइम में फ्लाश चालू करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पीछे से गाड़ी आ जाएगी तो हम उसको कवर कर सकते हैं। ये हम अभी जा रहे हैं पीछे, हाँ जी दोस्तों हम चले गए पीछे, अब डालना है गियर नंबर वन। जब आप गाड़ी सीख रहे हो, गाड़ी आप नया नया चला रहे हो, तो आपको फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी चलाना चाहिए। फ्लाश बंद कर दीजिए और स्लो से निकालिए। ये गार्डन है, मैं इसके राउंड अप में गाड़ी घुमाऊंगा, तो मैं इधर अभी घुमा लिया राइट साइड में, तो जाइएगा स्लो। जैसे यहाँ पे मुतब आता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर, तो उसको जो है स्लो करना चाहिए गाड़ी। तो अभी क्लच दबा दिया, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फिर डाल दिया सेकंड गियर, तो अभी गए स्लो से आगे जाए। अभी मेरे को जाना है आगे जाके लेफ्ट, आगे जाके जाना है लेफ्ट, तो मैं डालता हूँ इंडिकेटर, जैसे कि यहाँ पे बत्ती जल रही है, तो ग्लास मिरर लेफ्ट साइड में ग्लास में देखना, फिर लेफ्ट में मुड़ाना, अभी ऑटोमेटिक इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अभी जाना सीधा, तो ऐसे चलाना पड़ता है मैनुअल कार। هذا كذا سوق مانوال كار، هذا سيارة عادي سوق كذا، بل هذا عربي، أنا كلام عربي برضو، أنا كلام أردو، أنا كلام شوية شوية إنجليش، أنا كلام شوية شوية هندي، تلغو، كل شيء أنا كلام. मैं बात तीन चार भाषा में बात कर सकता हूँ। ये जा रहा है छोटा खेकड़ा सामने, इसको बोलते हैं खेकड़ा। ये खेकड़ा भाई साइड दे दे भाई, मैं नया नया गाड़ी चला रहा हूँ भाई। तो सीधा सीधा जा रहे हैं दोस्तों हम, अभी मैं चला रहा हूँ सेकंड गियर में गाड़ी, क्योंकि मैं अभी समझो आपको सिखा रहा हूँ। अब नया नया गाड़ी चला रहे हो तो सेकंड गियर में गाड़ी चलाना। मैंने चालू कर दिया एसी, क्योंकि मेरे को लग रही है गर्मी, तो मेरे को जाना है लेफ्ट, तो मैं डाल दिया इंडिकेटर और मैं लेफ्ट में मुड़ गया। ऐसे सीधे सीधे मैं जा रहा हूँ मेरे रूम के साइड में। तो यही होता है दोस्तों, ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, मैनुअल कार ऐसे ही चलती है, इसमें डरना नहीं। बस डर जाओगे तो गाड़ी नहीं चला पाओगे, बेडर होकर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चला पाओगे। अगर डरना है तो गाड़ी मत चलाना, और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना ना भूलिएगा,
انتير كب سيارة لازم اربة حزام انت ما في اربة حزام بعدين يجي مخالفة انت مشكلة ولا صدام سيارة في شيء مشكلة هذا صدام سيارة بعدين انت مشكلة انت ما في البس حزام انت صدام سيارة هذا في ايرباك ايرباك يعني جهاز بقى نكالتا ہے هذا اطلع بلون من هناك وايرباك في هنا خش في هنا تحت ما ادري وين هذا هاي لوكس ما في شوف انا ممكن اكيد هذا في هنا هنا في ايرباك تو اپنی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے تو دوستوں ایسے چلاتے ہیں مینوئل کار یہ گیئر ہے یہ تو ابھی میں گاڑی کھڑا کر دیا نا تو پہلے تو آپ کو لگانا ہے ہینڈ بریک گاڑی کرنا ہے نیوٹرل پھر بند کرنا ہے اے سی پھر بند کرنا ہے آپ کو گاڑی میں گاڑی بھی بند کر دیا ہاں جی تو بھائی لوگ آپ کو کیسی لگی میری گاڑی چلانے کا طریقہ میں آپ کو جو بولا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ یہ لاسٹ تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ایسے ہی چھوٹے موٹے انفارمیشن دیتا رہتا ہوں آپ کو میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں گاڑی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں آئی ایم اے ڈرائیور دیٹس آئی ایم شوئنگ یو ہاؤ ٹو ڈرائیو دس مینوئل کار انا سوک انا ورک انتم کیف سوک سیارہ ہدا ایدیا میں بھی تمہیں دی هذا سيارة عادية أنا بالسعودية عربية أنا بالرياض أنا سوق سيارة أنا سواق بل عربي هذا تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو کمنٹ کر کے بتائیے گا میں صبح صبح میں میرا ڈیوٹی ختم ہوا تو میں آپ کو یہ گاڑی چلا کے بتا دیا ہوں ابھی گاڑی جا رہی ہے پیچھے تو میں اس کو لاتا ہوں گیئر میں ہاں ابھی نہیں جائے گی گاڑی میرے کو اندر ان شیڈ کرنا ہے شیڈ کے اندر گاڑی کو لے کے جانا ہے میں ابھی بکالا بکالا جانا ہے تو اسے گاڑی باہر رکا کے رکھا ہوں تو یہ میرا آج کا ویڈیو ہے دوستوں آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتائیے یہ ویڈیو ہے صرف مینوئل کار ڈرائیونگ کے بارے میں کیسے گاڑی چلانا ہے تو میں اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا یہ میرا آج کا صبح کا ولاگ ہے صبح صبح 9:45 کا ولاگ یعنی کہ ابھی میں شوٹ کیا ہوں ابھی اس کو چھوٹا سا ایڈٹ کروں گا تھوڑا سا ایڈٹ کروں گا دوستوں پھر میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز سبسکرائب کرو پھر اپنے دوستوں کو بھیج ڈالو پھر کیا ماشاءاللہ